एजुकेशन का पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहे। 32 साल की उम्र में आपका PhD हो जाता है, फिर जाके आप बोलते हो अब इसने PhD किया, अब ये बाहर निकलता है ना, अब मुझे वाहवाह करेंगे, मुझे पकड़ेंगे, कहीं जॉब वॉब देंगे, कोई जॉब नहीं है उसके बाद भी, कोई जॉब। मैं परेशान हो जाता हूँ कि हम 30 साल एजुकेशन में देने के बावजूद हमारे पास जॉब ही नहीं होता। हमने क्यों स्कूल गए, हम क्यों कॉलेज गए, हम क्यों यूनिवर्सिटी गए जब हमें पता था कि वहाँ जॉब नहीं है? हम क्यों नहीं सीधा कुछ करने लगे अपनी जिंदगी में? पहले ही स्कूल जाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि आगे कुछ नहीं। या तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो ओपनहाइमर की तरह, या तो आप मीडियोकर है, खास कुछ पढ़ा नहीं, अब बस चल रहे हैं ऐसी क्लास पे क्लास। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, ग्रेजुएशन उधर इधर से करो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में घुस जाओ सीधा और इसी के लिए पढ़ो। यहाँ पर कम से कम ज्यादा रिटर्न है, हर साल एग्जाम होता है, चाहे SSB नहीं हो, SSC का होता है, KS का होता है, IAS का होता है, एग्जाम होता ही होता है कोई ना कोई, उसके लिए पढ़ो, बिकॉज पता है एग्जाम है फिर जॉब। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तो मुझे आएंगे नीचे नहीं।